मुंबई के मलाड मालवनी विधानसभा क्षेत्र वार्ड क्रमांक 48 से ऑल इंडिया मजलिस से इत्यादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इस्माइल शेख द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान इस्माइल शेख ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग अब तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, लेकिन किसी ने गरीबों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ झूठे वादे करते रहे, लेकिन अब वह जरूर जनता की समस्याओं को दूर करेंगे। बेसिक इश्यूज है, उसके बारे में हर चीज मालूम है। रोड का प्रॉब्लम है, जैसे रास्ते का प्रॉब्लम, ड्रेनेज, गंदा पानी और भी कई इश्यूज है ऐसे। जो अभी बारिश आई थी आपने देखा था, सारे रोड भर गए थे। तो हमारी पार्टी बॉम्बे में नहीं, इससे पहले महाराष्ट्र में कई जगह पर इलेक्शन लड़ा है और जीत किया है, और उन्होंने काम करके दिखाया है और हम लोग भी इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। 1 लाख रुपया यहाँ पर मालूनी में अगर किसी को कनेक्शन लेना है नल का, तो 80 से 90 हज़ार लगभग 1 लाख रुपया चला जाता है, जो कि होना चाहिए 5 से 10 हज़ार रुपया नॉमिनल फीस जो होती है पीएमसी की, मगर ये खर्चा वो खर्चा सब मिला के 1 लाख रुपया हो जाता है। ये अपने बड़ों की जिम्मेदारी थी, जिनको हमने आगे जिताया था कि वो इसको सीरियस ले गए कि भाई 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपये में तो एक छोटी गरीब लोगों की शादी हो जाती है, 1 लाख रुपये और मिलाएंगे तो एक माले का घर बन जाता है, मगर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पब्लिक भर रही है, ये दलाल वो दलाल, ये एजेंट वो एजेंट, उनके थ्रू जाना है बीएमसी। अभी मैंने ही घर में नल लगाया था पिछले एक साल पहले, लगभग 70 से 80 हज़ार रुपया खर्चा हुआ, 5 हज़ार रुपये जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार रुपये। अभी हमारे जो बड़े हैं, जो नेता जिनको आप लोगों ने चुना था, हम लोगों ने चुना था, उनका कोई ध्यान नहीं है। यहाँ से मलाड जाने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता है, बॉम्बे पहुँच जाते हैं। कभी कभी अगर ट्रैफिक नहीं होगा ना, संडे के दिन बाइक लेंगे ना, तो 1 घंटे 1.25 घंटे में बॉम्बे पहुँच जाते हैं। और जो सुबह कांचपाड़ा और बॉम्बे टॉकीज में काम करने वाले बेचारे गरीब गुरबा हैं, वो मलाड नहीं पहुँच पाते 1 घंटे में भी। यहाँ का हमारा ब्रिज टूटा, हमारे जिम्मेदार है ना, लोगों ने वहाँ पर लगा दिया, फला शेख ब्रिज बना के दे रहे हैं, गोपाल शेट्टी ब्रिज बना के दे रहे हैं, असलम शेख ब्रिज बना के दे रहे हैं। 3 महीना ये नाटक चला, किसी ने कुछ भी नहीं किया। आज तक भी लगभग पैदल और साइकिल से जो काम पे जाते हैं काचपाड़ा में, हज़ारों की तादाद में गरीब लोग थे, इसी झोपड़पट्टी के, अंबुजवाड़ी के, आजमी नगर के, जो कि असलम शेख के एरिए में सारे लोग ही आते हैं, सिर्फ वार्ड नंबर 48 ही नहीं, आधे से ज़्यादा लोगों ने काम छोड़ दिया। काम इसलिए छोड़ दिए कि 1.5 घंटा जाने को, शाम को 1 घंटा रिटर्न आने को, और 7 घंटे की ड्यूटी है, तो 14-15 घंटे यहाँ चले जाएंगे। और उसके बाद है ना, साइकिल से जाते थे तो भाड़ा बच जाता था, अब वो लोग जाते हैं ऑटो से या बस से, उनको नहीं पड़ रहा। कई लोगों ने काम छोड़ दिया, भाई जब ब्रिज बनेगा जब काम करेंगे। अलाउद्दीन ओवैसी साहब ने 2004 के अंदर यूपीए की हुकूमत को तायीद की, तब तक हमने 60 साल कांग्रेस की ताईद की। 60 साल के अंदर हमको अगर मिला तो बेरोजगारी मिली, हमको अगर कुछ मिला, अरे हमारे सड़कें वीरान हुई, हमको अगर कुछ मिला तो आज बदनामगी मिली, हमको अगर कुछ मिला तो टाटा बोटा मिला, हमको कुछ मिला तो हमको यहाँ पर बेतरक्की मिली, हमको अगर कुछ मिला तो आपके लिए एक ऐसा माहौल बनाया जो हमको तरक्याती नहीं करने के लिए वो माहौल मिला। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने आगे बढ़ती जा रही है, सारे हिंदुस्तान के अंदर नजरें, सारे हिंदुस्तान के लोगों की नजर बारिश अलाउद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर है, ऊपर लगी हुई है। आज बारिश अलाउद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में जब ठहरते हैं तो किसी की मां नहीं जनी दरअसल अलाउद्दीन ओवैसी साहब के आंखों में आंख डाल कर तकरीर करे, अरे ये ताकत है, ये कायद है। अरे दरअसल अलाउद्दीन ओवैसी साहब कितने मसले उठाए, चाहे वो मुंबई का मसला हो, चाहे मालेगांव का मसला हो, मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ तो सबसे पहले कौन गए, फैसल अलाउद्दीन ओवैसी साहब ने वहां पर गए। बताओ कोई कांग्रेसी गया, क्या कोई समाजवादी गया, कोई भी नहीं गया, फैसल अलाउद्दीन ओवैसी साहब वहां पर गए। इशरत जहां का एनकाउंटर हुआ कौन गया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उसकी जनाजे की नमाज में शरीक हुए। बताओ कोई कांग्रेस का मुसलमान खायद वहां पर मौजूद था,
कोई नहीं थे, आज बातें कर रहे हैं ये बाकड़े पहलवान आके कि हम को हम के गलियों में ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे बताओ कितनी, जब मुझे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मलाड के अंदर एज ए इंचार्ज भिजाकर यहाँ पर भिजाया, मैंने जब मेरी नजरों ने देखा मालोनी के अंदर यहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं हुए, यहाँ पर सड़क नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर ड्रेन लाइन नहीं है, यहाँ पर तरक्याती काम कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ है तो आपके लिए आपको यूज किया जा रहा है, यहाँ पर अगर है तो आपके सर पे हाथ रखकर आपके खांदे पे हाथ रखकर अच्छी बात कहकर ये कहकर कह दिया जा रहा है तू मेरा दोस्त है, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे चचा हो, ये बात कहकर यहाँ पर हमको कमजोर करने की साजिश की जा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में आ चुकी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में है, हम हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। जब मैं हैदराबाद से निकला हुआ था तब मैंने अपने घर पर बोल के आया हूँ कि मैं कफन मानकर हैदराबाद से निकल कर आया हूँ, जीत हार अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आपका इतिहास जरूर लेके जाऊंगा हैदराबाद को। अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश में एक ऐसी ताकत बनकर उभर रही है, लोगों का सैलाब असद साहब के तकरीरों में आ रहा है, आप देख सकते हैं। अरे आज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बंबई में अगर कोई हलकों में जाते हैं तो नौजवान उनके पीछे भाग भाग कर जाते हैं, अरे बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों ने दुआ कर रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, कितनी मोहब्बत है आप देखिए।